हेलो जी नमस्ते सलाम अलैकुम सत श्री अकाल दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज़ वरुण वंस अगेन। आज मैं जहाड़ा आया जहाड़ा रेड पैलेस घूमने के लिए। तो आके पता चला कि रमादान शेड्यूल के लिए अभी बंद है, टाइमिंग चेंज किया, सो देखने का मौका नहीं मिला। ये मेरे पीछे है रेड पैलेस जो कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो अभी तो मैं नहीं जा पाएगा और नहीं क्योंकि बंद है। सो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ जहाड़ा सिटी टूर करा देता हूँ और आगे का भी मौका मिले तो रेड पैलेस घुमा के आप लोगों को दिखाएगा जो मेरा पीछे है। तो अभी फ़िलहाल सिटी टूर करते हैं। तो चलिए जी मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जहाड़ा सिटी टूर। ये एक बहुत ही पुराना सिटी है, बहुत पुराना ज़माना से। तो अभी मॉडर्न आर्किटेक्चर इसको बहुत कुछ नया किया, तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। चलिए जी मैं घुमाता हूँ आप लोगों को। तो जी मेरे पीछे आप लोग देख सकते हो कि कुछ पुराना ज़माना का हाउसेस है, घर है यहाँ पे, जो उसको रीमॉडिफाइड करके ये लोग यूज़ करता है। और इस साइड भी नया ज़माने का हाउस बिल्डिंग जो कि यहाँ का लोकल आदमी लोग रहते हैं। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके आगे की तरफ चलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एरिया सिटी जो जहाँ पे मतलब मार्केट वगैरह सब कुछ। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मेरे साथ आगे बने रहिए। तो जी मैं रेसिडेंसी एरिया छोड़ के अभी कॉम्प्लेक्स एरिया आ चुका हूँ, जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था उस साइड रेसिडेंसी था पूरा। अभी ये कॉम्प्लेक्स एरिया जो कि आप लोग देख सकते हो, बहुत सारा मार्केट है जो अभी बंद है, क्योंकि मैं पहले भी बोला रमादान मान चल रहा है और ये टाइम खास करके सारे इफ्तारी फिर नमाज, तो इसलिए पूरा शॉप बंद है। कभी इस तरह नहीं दिखाई देता है, मौका नहीं मिलता है। सारे मातम सारे रेस्टोरेंट दुकान पार्ट पूरा बंद है, कभी भी इस टाइम बंद नहीं रहता है। और ख़ास करके इस टाइम पे बहुत सारा पब्लिक होता है यहाँ पे, बट अभी रोज़ा है, रमादान मंथ है, तो उतना पब्लिक नहीं है और दुकान पार्ट पूरा बंद है। तो मैं दूसरा साइड चलते हैं और मेरे पीछे एक बहुत ही सुंदर बड़ा मस्जिद है, तो उस साइड होते हुए अभी दूसरा साइड जाएंगे। तो ये मस्जिद के बाजू में ही बहुत सारा मुस्लिम दोस्त मुस्लिम भाई लोग अभी इफ्तारी खुल रहा है, जो कि एक हट्टा बैठ के इफ्तारी खाएगा एक ही साथ सब, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर एक माहौल क्रिएट किया। सो सबको हैप्पी रमादान करीम, और सब अभी खाना इफ्तारी खोल के उसके बाद नमाज पढ़ेगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब एक साथ बैठ के मिल के एक साथ खड़ा है। ये पीछे यूरेका कॉम्प्लेक्स एंड इस साइड हॉस्पिटल, बहुत ही सारा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है। और ये मेरे पीछे कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है छोटा छोटा, जो कि उतना बड़ा नहीं है। और वो दूर साइड एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, और यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है कि इतना अच्छा सारा अच्छा अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे। और आगे भी मैं आप लोगों को और कुछ दिखाने का कोशिश करता हूँ।
पीछे एक बहुत ही बड़ा सुंदर मस्जिद, लाइट लगा के देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सड़कों पे चल रहा हूँ और चलते चलते आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि इस साइड है सारे बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स और इस साइड है सारे मार्केट कॉम्प्लेक्स। तो मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाता हूँ। मेरे पीछे है एक स्कूल जो कि जहारा का बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही बड़ा एक स्कूल है यहाँ का। ये मेरे इस साइड बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स एंड ये सारे बहुत ही सस्ते में अच्छा सारे दुकान और पूरा सुनसान एरिया देख सकते हो, कोई आदमी लोग नहीं है। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रोजा का मंथ एंड सारे आदमी लोग इफ्तारी नमाज में बिजी है, अदरवाइज़ इस टाइम बहुत पब्लिक होता है, इस एरिया पे बहुत भीड़ होता है। देख सकते हो पूरा ये मार्केट कॉम्प्लेक्स है। एक अभी इधर गली से चलते हुए एक आगे की तरफ चल रहा हूँ जो रेस्टोरेंट साइड, क्योंकि मुझे थोड़ा भूख लगा एंड कुछ खाना पीना चाहता हूँ, तो देखता हूँ कुछ मिलता है कि खाने के लिए। तो दो मुसाफिर लिया जो कि अभी खाने वाला हूँ, तो खाके मैं आप लोगों से बात करता हूँ। दो मुशाकिल लिया मैं रेस्टोरेंट से। तो जी ये है ग्रैंड हाइपर मार्केट जो कि जहारा में, और मुझे अभी थोड़ा कुछ सामान चाहिए तो खाने पीने का, तो मैं अभी ग्रैंड हाइपर में जाता हूँ और जाके कुछ सामान लेता हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो ग्रैंड हाइपर से निकल गया, कुछ सामान लेने था खाने पीने का, जो कि छुट्टी से आने के बाद कुछ भी नहीं था घर पे खाने पीने का, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत सामान ले लिया। फिर ये सिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर से जा रहा हूँ बीच में से दूसरे साइड। मार्केट से बाहर निकल के अभी पैदल चल के बस स्टॉप की तरफ चल रहा हूँ और ये सारे टैक्सी वाला बुला रहा है ताकि जाने के लिए, बट टैक्सी में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं छुट्टी करके आया, उतना पैसा भी नहीं है, तो पैदल ही जा रहा हूँ बस स्टॉप तक, फिर उधर से बस पकड़ के रूम पे जाने का कोशिश करेंगे। अभी अंधेरा हो चुका है, आई मीन 6 बज चुका है।
सो मेरे पीछे ये ऑनकोस्ट सुपर मार्केट है, ये भी एक बहुत ही अच्छा सुपर मार्केट जहाँ पे सारे इंडियन खाने पीने का सस्ते में मिल जाता है, जैसा कि ग्रैंड हाइपर लुलू होता है। तो ऑनकोस्ट भी एक बहुत ही अच्छा सुपर मार्केट, सस्ते में बहुत कुछ खाने पीने का मिल जाता है, इंडियन सामान। और मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कुछ बिल्डिंग, ये सारे हॉस्पिटल है जहाड़ा का, जो कि बहुत ही बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, और ये सारे रेसिडेंशियल रेसिडेंसी एरिया है जो सारे कंपनी का स्टाफ लोग रहता है इसमें। तो अभी अभी जैसे कि मैं इंडिया से आया, एक महीना हुआ और उतना पैसा भी नहीं है, तो मैं शॉपिंग करने आया था, तो करीबन 2 KD ऐसा कुछ बिल हुआ था। और जो मेरा ग्रैंड का कार्ड है, जो हमेशा शॉपिंग करने के बाद ये लोग कुछ डिस्काउंट का वो कार्ड में कुछ परसेंटेज लगाता है, तो उसमें कुछ 1 KD ऐसा कुछ हो गया था, तो 1 KD मैं माइनस किया और 1 KD मैं पे किया इन लोगों को। सो अच्छा हो गया मुझे, इस टाइम पे थोड़ा ज़रूरत था जो कि डिस्काउंट मिल गया 1 KD। सो अभी ऐसे ऐसे करके बस स्टॉप की तरफ चल रहे। तो जी चलते चलते देखा ये एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स है, जो कि कुवैत फूड रेस्टोरेंट, बहुत सारा रेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और बहुत ही सुंदर देखने में, बहुत ही बड़ा। जैसे कि ये जहाड़ा सिटी उतना बड़ा शहर नहीं है, पुराना ज़माने में कुछ एरिया था जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे घर बना के बैठता था, बट उस एरिया तो अभी थोड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका है, जो कि हिस्ट्री। और उस साइड ही रेड पैलेस, जिसका मैं वीडियो बनाने के लिए आया था बट नहीं बना पाया क्योंकि बंद है अभी रमादान के टाइम के बोल के, क्योंकि सुबह 9 बजे ओपन होता है, 1:30 को बंद होता है, फिर रात को 8:30 को ओपन होता है। सो अभी फ़िलहाल रमादान टाइम है तो इसलिए बंद है वो रेड पैलेस। सो इसके चक्कर में मैं पूरा जहाड़ा सिटी टूर करा रहा हूँ। और इस साइड जैसे मैं बोला, जहाड़ा सिटी उतना बड़ा नहीं है और अभी नया बन रहा है बहुत सारा एरिया, जैसे कि रेसिडेंशियल एरिया, मतलब बहुत सारा कंपनी का स्टाफ लोगों को रहने के लिए थोड़ा बहुत बिल्डिंग एंड हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, स्कूल, इस तरह कुछ बना के जहाड़ा को थोड़ा बड़ा किया जा रहा है सिटी को। जैसे इस साइड एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स है, तो और इस साइड जैसे मैं पहले दिखाया था आप लोगों को कि बहुत सारा मार्केट कॉम्प्लेक्स ऐसा, अभी थोड़ा अंधेरा हो चुका है और मैं पैदल चलते चलते आप लोगों से बात करते करते बस स्टॉप की तरफ चल रहा हूँ। मेरे हाथ में थोड़ा कुछ खाने पीने का सामान है तो उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा हूँ मैं। अभी अंधेरा हो चुका है और मेरे ये साइड कुछ पुराना खंडर टाइप का मकान है, घर है, जो कि पुराना ज़माने का, तो अभी तो अंधेरा हो चुका है उतना नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे जहाड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी और इस साइड सारे बैंक कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत सारा बैंक है एक ही साथ, अभी ओपन हो चुका है क्योंकि इफ्तारी और नमाज हो चुका है, तो शाम के टाइम थोड़ा बैंक ओपन होता है, तो बैंक कॉम्प्लेक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ही साथ बाजू में।
एरिया में बहुत सारा क्लिनिक है, एक साथ इकट्ठे करके बहुत सारा क्लिनिक एंड मैकडोनाल्ड्स, फेमस मैकडोनाल्ड्स। फार्मेसी, मेडिसिन शॉप, मेडिसिन ग्रोसरी। मेरे पीछे बस आ रहा है और ऑलरेडी 7:30 हो चुका है एंड मैं बहुत लंबा तक चला हूँ, तो अभी फिलहाल बस में बैठना पड़ेगा, बस में बैठ के जाना पड़ेगा और बस स्टॉप आ चुका हूँ मैं। अभी मैं बस में बैठ गया और बस में बैठ के घर की तरफ चल रहा हूँ। तो जी फाइनली मैं बस से उतर गया और बस से उतर के अपना मोहल्ले पे आ चुका हूँ पैदल चल चल के, और थोड़ा दूर है घर। तो जी अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे प्रेस करना, जब भी मैं कोई वीडियो डालेगा ऑटोमेटिकली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस तरह साथ देते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना अपना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो यहाँ पे ख़त्म करते और रखते, सो सब सही रहना, खुश रहना। सलाम अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, सब सही रहना, खुश रहना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।